इस वक्त हम दरगाह हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पर मौजूद है। आज उर्स है, उनका 327वां उर्स जो है वो मनाया जा रहा है। हालांकि जो सजादा नशीन है दरगाह हज़रत शाह असरारुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुताबिक जो है ये 345वां उर्स है, जबकि अवकाफ ने जो बुक रिलीज़ की है और जो अवकाफ का कहना है कि ये जो है उनको 327वां जो है वो उर्स जो है जो आज मनाया जा रहा है, और उसमें उन्होंने जो है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को भी जो है आने अकाउंट लिया है। और अवकाफ इस्लाम का ये भी मानना है कि अगर किसी को कोई एतराज़ है तो वो उनसे जो है वो रابطہ करें, वो उनको बताएंगे कि किस तरह से जो है वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं और ये जो है वो डेट्स कहाँ से लाई गई है। इस वक्त काफ़ी रश है यहाँ पर दरगाह हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का, जो कि उनका 327वां उर्स जो है वो मनाया जा रहा है। और अवकाफ एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इसमें कोई भी जो है वो नहीं है कन्फ्यूजन, और आज 327वां ही उर्स है। आप देख सकते हो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी रश है आज सुबह से यहाँ पर, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं विजुअल्स में भी हज़ारों की तादाद में जो है वो लोग आए हैं, और एक्सपेक्टेड है कि 40,000 से ज़्यादा ज़ायरीन जो है वो आज किश्तवाड़ में जो है वो इन उर्स में जो है वो हिस्सा लेंगे। इस जो उर्स है, माफ कीजिए, जो उर्स आज है उसमें जो है वो हिस्सा लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूर दूर से ज़ायरीन आए हैं, इबादत कर रहे हैं, अपनी मुरादें जो है वो यहाँ पर लेकर आए हैं, और मुरादें हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि वो इनकी दुआओं को कबूल फरमाएं, क्योंकि जो फैसले हैं वो अल्लाह ने जो है करने हैं, और वली जो है वो वसीले होते हैं। और हम लोग और पूरे यहाँ के जितने भी मुसलमान हैं वो हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के शुक्रगुजार हैं कि वो बगदाद से यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और वो जो है उन्होंने जो है यहाँ पर जो है वो अपनी तालीम और इस्लामी तालीमात जो है वो लोगों को दी। आप देख सकते हो यहाँ पर लोग जो है वो आए हुए हैं, हम आपको लगातार कवरेज दिखा रहे हैं। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर खुद मौजूद है, यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो खुद देख रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी रश है, औरतों को जो है वो अलग जगह से जो है वो भेजा जा रहा है, क्योंकि उनको जो है वो हज़रत जो बीवी है जो औरतों के लिए यहाँ पर जो है वो अलाइदा इंतज़ाम है। आप देख सकते हो कि ये औरत जो है वो हिंदू कम्युनिटी से है, हिंदू फेथ से है, वो भी यहाँ पर आई हुई हैं। यहाँ पर हम लोगों से गुजारिश करेंगे कि वो यहाँ गंद ना फेंके। ये देख सकते हैं आप, जो स्टाफ है वो यहाँ पर गंद उठा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर औरतों की भी जो है वो काफ़ी तादाद है जो आए हुए हैं यहाँ पर ज़्यारत के लिए। आप देख सकते हैं ये एक हिंदू खवातीन है, इनका फेथ भी यहाँ पर। आंटी कहाँ से आई हैं आप? उधमपुर से आई है। तो आप यहाँ ज़्यारत के लिए आए? ज़्यारत के लिए। उर्स पे और भी कोई आया? मेरा घर आया। अच्छा, आप आते रहते हो यहाँ? पहली बार है? हम आते रहते। आप देख सकते हैं औरतों की काफ़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ गुना यहाँ नहीं है, लेडीज़ नहीं डाल देंगे ना। यहाँ पर जमघटा ना हो, यहाँ पर जमघटा ना हो, इसलिए मर्द और औरतों के लिए जो है अलग अलग जो है वो रास्ते रखे गए हैं। लेडीज़ उधर और जेंट्स इधर आ जाओ, शाबाश। ये ज़ियारत एक ही है। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ जो है वो उमड़ पड़ रही है, लोग जो है वो जो मर्द हजरात हैं उनके लिए अलाइदा रास्ता निकाला गया है, जो औरतें हैं उनके लिए अलाइदा है। जाओ जाओ यार पे जाओ, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बुक्स बांट रहे हैं लोगों में, जो छापी गई है यहाँ पर हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री। उर्स क्यों मनाते हैं?
यहाँ पर किताबें जो है वो दी जा रही हैं, जो छापी है बुकलेट, इस पर सारी हिस्ट्री है इन ज़ियारात की जो किश्तवाड़ में है। लोग जो है वो एहतरामन जो है वो कंबर जो है वो पीछे की तरफ चलकर जो है वो चलते हैं। ये जो बुक है ये स्टार्ट होती है सबसे पहले, इसमें नक्शा जो है वो किश्तवाड़ का दिया गया है, उस पर आपको इस पूरे इलाके का जो है वो पता चलेगा। और इसमें जो है वो बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो लेडीज़ के लिए जो है वो अलग एंट्री रखी गई है, मतलब मनाही किसी के लिए नहीं है। यहाँ पर जो है वो लेडीज़ के लिए अलग एंट्री रखी गई है, जेंट्स के लिए अलग एंट्री रखी गई है। आप देख सकते हो इसमें जो किताब भी जो है वो शाया की है, यहाँ पर लोगों को जो है वो बांटे जा रहे हैं बुक्स, उसके जो यहाँ पर उनकी हिस्ट्री है शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की, उसके बारे में जो है वो लिखा गया है। ये जो है इस बुक में जो है वो उर्दू और अंग्रेज़ी जो है वो दोनों इस्तेमाल की गई है। इस वक्त मैं ज़ियारत फरीदिया के अंदर हूँ, यहाँ पर जो है वो लोग जो है वो मौजूद है। हज़रत शाह मोहम्मद फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की किश्तवाड़ में जो है वो तशरीफ़ आवरी हुई थी, और जो यहाँ पर किताब है उसके मुताबिक हज़रत सैयदना शाह मोहम्मद फरीदुद्दीन बगदादी ने ज़ाहिरी और बतनी उलूम की तकमील और रूहानी कमालात के मदराज तय करने के बाद यहाँ पर जो है वो आए हैं, और वो जो है वो किश्तवाड़ पहुँचे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर जो ज़ायरीन की काफ़ी भीड़ है, सुबह से जो है वो भीड़ है, वो जो है वो यहाँ पर लोग जो है वो दुआए खानी भी जो है वो कर रहे हैं, तकदीब के दीन के लिए जो है वो यहाँ पर आए थे, और वो डोडा भी पहुँचे थे, उन्होंने जो है वो मोहर गूल संगलदान रामबन के रास्ते जो है वो डोडा पहुँचे थे। इस वक्त रियासत जो थी वो किश्तवाड़ जो थी वो एक रियासत थी जब इनकी तशरीफ़ यहाँ पर हुई थी। और मैं बता दूँ कि फिर डोडा से भारत से होते हुए जो है वो फिर सतहून के रास्ते से सफ़र करते हुए जो है वो ठाकराई में तशरीफ़ फरमा हुए है। ये जो बुक जो अंग्रेज़ी में भी जो है वो लिखी गई है, इसमें बताया गया है कि जो हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश जो है वो 1615 में हुई है, बगदाद में हुई है, और 1696 में तकरीबन 81 बरस की उम्र में जो है वो इस दुनिया को जो है वो छोड़कर चले गए, और 49 बरस की उम्र में वो किश्तवाड़ तशरीफ़ लाए थे। यानी कि जब उनकी उम्र 49 बरस थी तब वो तशरीफ़ लाए थे। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है वो किस तरह से जो है वो रूहानी जो है वो हासिल करना चाहते हैं ज़ियारत। आप देख सकते हो ये शख्स अपने आप में मगन हैं, और इस वक्त जो है वो दरबार फरीदिया में जो है वो मौजूद है, और इसको जो है वो एक बताया जाता है, इसको गृहिणी कहा जाता है जो इनको आई हुई है इस वक्त। आप देख सकते हैं लोगों की काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, और मैं बता दूं कि किश्त जैसे कि 49 बरस की उम्र में जो है वो शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर तशरीफ़ लाई थी और उनका क़याम कमोबेश किश्तवाड़ में जो है वो 32 साल तक जो है वो रहा, जब उन्होंने यहाँ पर जो है वो इस दुनिया को खैरबाद कहा और अल्लाह से जो है वो रूहानी हकीकी से जो है वो जाकर मिले
हैं और हज़रत सैदिना शाह मोहम्मद फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तीन अजवाज थी, यानी कि उनकी तीन बीवियाँ थी और उनके नाम भी जो है वो इसमें दिए गए हैं इस बुक में। और इसके अलावा जो है वो बताया गया है कि हज़रत सैदिना शाह मोहम्मद फरीदुद्दीन के तीन फर्जंदान के जो नाम है वो भी जो है वो यहाँ पर दर्ज है। और मैं बता दूँ आपको कि ये जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरफ से जो है ये बुक रिलीज़ की गई है। आप देख सकते हैं इसमें जो बुक में देख रहा हूँ और मैं इसके कुछ चीज़ें जो है वो पढ़ रहा हूँ। और इसमें जो है वो ये भी बताया गया है कि जो इसमें जो है वो फैमिली ऑफ हज़रत सैयद शाह मोहम्मद फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह है ब्लेस्ड विद थ्री चेस्टी वाइफ्स, वन ऑफ देम वाज सैयद जाहिदा बानो, और जो जो उनके साथ जो थी वो बगदाद में ही से आई हुई थी, और उनकी जो दो बीवियाँ थी साहिबजादी रोशन दिल जो है वो डिस्ट्रिक्ट रामबन से थी, और माई मलाहत जो नगरी डोडा से थी, जो हज़रत शाह साहब अल्डर सन जो उनके थे हज़रत सईद शाह मोहम्मद असरारुद्दीन बगदारी रहमतुल्लाह जो थे वो उनके वतन से थे। जो है वो माफ़ कीजिए, जो हज़रत सईद शाह मोहम्मद असरारुद्दीन बगदारी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो बॉर्न फ्रॉम द होली पैलेस सईदा जाहिदा बानो जो थी उनसे जो है हुए थे। वो सईदा जाहिदा बानो जो थी वो हज़रत शाह असरारुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा मोहतरमा थी। और इसके अलावा जो है वो सैयद जो है वो हज़रत सईद शाह मोहम्मद अकरारुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो ग्रेट सन जो थे वो माई मलाहत बानो के थे। और जो तीसरा बेटा था शायद सईद शाह मोहम्मद अनवारुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह वाज आल्सो बॉर्न फ्रॉम द फर्स्ट वाइफ, जो पहली बीवी थी उनकी यानी कि जो सैयद जाहिदा बानो थी उनके वतन से थे। और इसके अलावा जो है वो जो साहिबजादी रोशन दिल थी उनकी से जो है उनकी कोई औलाद नहीं थी। आप देख सकते हो यहाँ पर जायरीन की काफ़ी भीड़ है दरगाह हज़रत फरीदिया में। और यहाँ पर जो है वो इंग्लिश में भी जो है वो इस बुक को जो है वो डिटेल्स दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये शख्स एतकाद के साथ यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पर ये दूर दराज इलाके से जो है वो यहाँ पर लोग जो है वो आए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि गांठ लगाकर जो है वो अपनी मुरादें जो है वो यहाँ पर रख रहे हैं लोग। मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो है वो हज़रत सैयद शाह मोहम्मद फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आफ्टर एलिमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट डोडा इन जानन एंड स्पेशली ब्राइटन एंड ग्रैंड्यूअर किश्तवाड़ विद द मैसेज ऑफ द अल्लाह लेफ्ट दिस मॉडर्न वर्ल्ड इन 1996। जो मॉडल वर्ल्ड यानी कि जो ये दुनिया थी उसको जो है वो छोड़ कर चले गए 1996 में जब उनकी उम्र 81 बरस थी। और इनके नाम पर जो है यहाँ पर दरगाह बनी हुई है जिसको बड़ी ज़ियारत के नाम से जाना जाता है, जबकि छोटी ज़ियारत जो है वो हज़रत शाह असरारुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो है वो जानी जाती है। इसमें काफ़ी जो है वो हालांकि ये छोटी सी बुक है, चंद 10 पेज के करीब इस बुक में है, और लेकिन उसमें जो है वो काफ़ी डिटेल्स दी गई है। और इसमें उनकी तालीम के बारे में बताया गया है किस तरह से ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ हज़रत सैयद शाह मोहम्मद फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, जो उन्होंने यहाँ पर पूरे चिनाब बेल्ट में जो इस्लाम फैलाया है उसके बारे में बताया गया है। और जो सैयद बाबुल शाह के जो बताया बिफोर सच इन्फ्लुएंस स्प्रेड इन पंजाब एंड नॉर्थ इंडिया, पहले नॉर्थ इंडिया में जब इस्लाम फैला था उसमें जो है वो सैयद बाबुल शाह रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह जो है जिनको नुंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता था, जो कि नेबरिंग वैली में यहाँ पर कश्मीर में थे, उनकी वजह से वहाँ इस्लाम फैला था। और हज़रत सैयद शाह मोहम्मद फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का इस्लाम फैलाने के लिए जो है वो चिनाब वैली में जो है वो एक रोल रहा है, जिसमें डोडा किश्तवाड़ और रामबन डिस्ट्रिक्ट जो है वो आज के पाए जाते हैं।
बताया जाता है कि 1600 में जो है वो शाह मोहम्मद फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तीन साथियों के साथ यार मोहम्मद फ्राम अरबियन स्टेट ऑफ इराक के थे वो, इसके अलावा खैर मोहम्मद साहब थे, अलिया शाह अब्दाल साहब जो कि सिंध पाकिस्तान से थे, और इसके अलावा सैयद बाबाउद्दीन समनानी जो कि आगरा से थे हिंदुस्तान से, और दरवेश मोहम्मद जो थे वो पानीपत इंडिया से थे, वो जो है वो उनके साथ बगदाद से थे और हिस्टोरिकल कैपिटल ऑफ इराक से आए हुए थे शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, इन साथियों के साथ और अपना जो सफ़र जो है वो उन्होंने जो है वो बाई फुट किया था, यानी कि नंगे वो जो है वो पाँव जो है वो पे जो है वो चल कर आए थे, क्योंकि उन दिनों जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का कोई जो है वो नहीं था और उन्होंने जो है वो पैदल सफ़र तय करके जो है वो यहाँ पर आए थे। और हज़रत सैयद शाह मोहम्मद फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि वो बगदाद में जो है वो पैदा हुए हैं जो 1615 एडी में, जो कि उस वक्त इराक का जो है वो आज भी वो इराक का हिस्सा है, और वो जो थे वो ग्रेट सन थे हज़रत सैयद मुस्तफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के, जो कि शाइनिंग ऑफ स्प्रिंग ऑफ ग्रेट रिलीजियस डायनेस्टी ऑफ एम्परर ऑफ सूफीज़म जो थे उस वक्त के हज़रत सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, स्कूलिंग ऑफ हज़रत सैयद शाह मोहम्मद फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो इसमें बताया गया है। हज़रत सैयद शाह मोहम्मद फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह वाज़ बॉर्न इन द डायनेस्टी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सो अकॉर्डिंग टू द फैमिली ट्रेडिशन, यानी कि ये उनकी सन्नत जो है वो मिलती है इनकी, वो वहाँ से उसके ख़ानदान से हुए हैं, और जो इस फैमिली की ट्रेडिशन के मुताबिक जो है हज़रत शाह साहब स्टार्टेड टू डिवोट हिज़ लाइफ फ्राम वेरी इनोसेंट एज, जबकि ये छोटे थे तो उन्होंने जो है वो यहाँ पर इस्लाम की तालीमात के लिए काम करना जो है वो तभी शुरू किया था। हज़रत शाह साहब जो है वो, जैसे कि मैंने बोला कि उन्होंने जो है वो बेसिक एजुकेशन जो है उन्होंने अपनी फैमिली में ही ली थी, और उस वक्त उनकी फैमिली में गोसुल आज़म वाज जस्ट ए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन था, और डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज यूज टू कम एंड क्विंच दियर स्पिरिचुअल थर्स्ट। उस वक्त जो गोसुल आज़म था वो एक इंस्टीट्यूशन था, रिलीजियस सेट था, जिस तरह से आज अवकाफ है एक, उस तरह से एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन था वहाँ पर, जहाँ पर पूरे दुनिया भर से लोग आकर जो है वो जो है वो अपनी रूहानी जो है वो तालीमात जो है वो हासिल करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग चादर चढ़ा रहे हैं, और इस वक्त सैकड़ों की तादाद में जो है यहाँ पर लोग मौजूद है, आप देख सकते हैं, औरतों के लिए यहाँ बाहर बैठने के लिए जो है वो अलग इंतज़ाम किए हैं। ये यहाँ पर बीबी साहिबा जो है वो मदफन है, यानी कि जो खवातीन हज़रत सैयदना शाह मोहम्मद फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के साथ आए थे उनको जो है वो यहाँ पर दफन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर औरतें और बच्चे भी आए हुए हैं, इनके लिए जो है वो सेपरेट इंतज़ाम किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो लोगों को जो है वो काफ़ी मुश्किलात होती थी जब यहाँ पर भीड़ होती थी यहाँ पर, तो मर्द और औरतों का जो है वो साथ में जो है वो कंजेक्शन होती थी, तो इसलिए अलग अलग रास्ते जो है वो रखे गए हैं ज़ियारत के लिए, तो इसीलिए जो है वो औरतों के लिए अलग रास्ता बनाया गया है, मर्द हजरात के लिए जो है वो अलग रास्ता बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से लोग जो है वो मजहबी अकीदे के साथ जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शख्स धागा बांध रहा है, अपनी मुराद लेकर जो है वो यहाँ पर आया है, और इसके मुताबिक ये फिर जब यहाँ पर जो ये ट्रेडिशन है जब इनकी मुराद पूरी होगी तो ये फिर दोबारा वापस आएंगे और इस गांठ को जो है वो यहाँ पर जो इन्होंने लगाई है वो उसको खोलेंगे। यहाँ पर लोगों की काफ़ी तादाद मौजूद, यहाँ पर जो ये है सैयद शाह मोहम्मद अख्तियारुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जो है उनकी ये है, ये जो है वो कब्र मुबारक है, जबकि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो ये वहाँ पर दो मदफन है, हज़रत सैयदना शाह मोहम्मद अनवारुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सैयदना शाह मोहम्मद फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो इस साइड से जो है वो दफन है, यहाँ पर जो है वो लिखा गया है।
यहाँ पर अवकाफ की तरफ से जो एम्प्लॉज़ है वो तबरुकात भी जो है वो दे रहे हैं लोगों को जो ज़ायरीन यहाँ पर आ रहे हैं, तबरुकात हासिल कर रहे हैं यहाँ पर। आपको जैसे हमने पहले ही बताया कि जो डिफरेंट एंट्रीज है लोगों के लिए रखी गई है, और तो और मर्दों के लिए जो है वो अलाइदा अलाइदा जो है वो रास्ते रखे गए हैं जो रश है उसको दूर करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी के काफ़ी इंतज़ाम भी है। हम इस कवरेज को जारी रखेंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।